नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बताएंगे केबल को कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, कैसे लगाते हैं पैनल बोर्ड में। आज हम यहाँ पे फुल जानकारी दूंगा। देख, 4 कोर का हमारा एक केबल है। अब इसको हम बहुत ही अच्छे से केबल को आर्मर को तार को रिमूव करेंगे, काटेंगे और यहाँ पे सब हम यहाँ आर्मर को तार कटिंग करके निकाल देंगे, इंसुलेशन हटा कर कनेक्शन करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से हम नीचे से लाए हुए हैं, पैनल के नीचे इन हुआ है। देखिए हम यहाँ पे करकट कटिंग करके हम यहाँ पे गलेन को भर दिए हैं, गलेन के चूड़ी को। अब गलेन को चूड़ी को अब ऊपर से देखते हैं कितना अच्छा लुक्स हमारा दिख रहा है। देखिए बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रूम में हम यहाँ पे टाइट कर दिए हैं, अच्छे से कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए आर्मर को तार हमारा सब नहीं दिख रहा है, इंसुलेशन भर दिख रहा है। 4 कोर का है, RYB कह के। अब बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम फिटिंग कर दिए हैं। 2 हमारा केबल है, एक हमारा 500 mm का है, एक हमारा 300 mm का है। देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम सब केबल को कनेक्शन किए हुए हैं। थोड़ा फोल्डिंग कर करके केबल को कनेक्शन किए हुए हैं, क्योंकि हमको ब्रेकर में कनेक्शन करते वक्त बहुत ही दिक्कत हो रहा था, उसीलिए हम थोड़ा बड़ा भी किए हुए हैं। ये RYB कह के यहाँ पे, ब्लैक भी कह के यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रूप में हम यहाँ पे टाइट भी किए हुए हैं, और जैसे हमारा केबल है वैसा सेम हम इंसुलेशन को भी यूज किए हैं। देखिए हमारा 2 बाकी है, इसको भी हम कनेक्शन करेंगे। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हम कनेक्शन कर रहे हैं। हमारा मेन पैनल है, यहाँ से हमारा आउट होकर सब जगह पे लाइन जाएगा, उसीलिए यहाँ पे हम ऊपर से इन कर रहे हैं और नीचे से हमारा आउट होगा। देखिए हमारा यहाँ नीचे हमारा ये बसवार दिख रहा है, बसवार में CTPT दोनों दिख रहा है, वो भी लगा हुआ है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख हम कनेक्शन कर दिए हैं, बहुत ही अच्छा लुक्स हमारा दिख रहा है। ब्रेकर में कोई भी काम करते वक्त ब्रेकर में एकदम प्रॉपर रूप में टाइट करना चाहिए, क्योंकि बाद में लीकेज हो सकता है, करंट नहीं पास कर सकता है, इसीलिए एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप में टाइट करना चाहिए। देखिए हम एकदम अच्छे से टाइट करके यहाँ पे फिटिंग कर दिए हैं। थैंक यू, विश यू वेल।